आदरणीय सभापति जी, यहां भी ये भी कहा गया आदरणीय सभापति जी, यहां ये भी कहा गया कि सरकार की योजनाओं को उनके नामों को लेकर के आपत्ति उठाए। कुछ लोगों को ये भी परेशानी है कि नामों में कुछ संस्कृत टच है, बताइए, इसकी भी परेशानी। आदरणीय सभापति जी, मैंने किसी अखबार में पढ़ा था, मैं कोई वेरीफाई तो नहीं किया है, और रिपोर्ट कह रही थी 600 जितनी सरकारी योजनाएं सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के नाम पे है। आदरणीय सभापति जी, किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे, क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है, क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से, क्या शर्मिंदगी है? इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है, और हमारा हिसाब मांगते रहते हो। आदरणीय सभापति जी, कुछ लोगों को समझना होगा, ये सदियों पुराना देश सामान्य मानवी के पसीने और पुरुषार्थ से बना हुआ देश, जन जन की पीढ़ियों की परंपरा से बना हुआ देश है। ये देश किसी परिवार की जागीर नहीं है। हमने मेजर ध्यानचंद जी का नाम पर खेल रत्न का पुरस्कार कर दिया। अंडमान में नेताजी सुभाष के नाम पर, स्वराज के नाम पर हमने द्वीपों का नामकरण किया, हमें गर्व हो रहा है। नेताजी सुभाष बोस के योगदान के लिए देश गर्व करता है, हम गर्व करते हैं। इतना ही नहीं, जो लोग आए दिन हमारे देश की सेना को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ते, हमने इन द्वीपों को परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले सेनानियों के नाम कर दिया। आने वाली सदियों तक, आने वाली सदियों तक कोई हिमालय की चोटी एक एवरेस्ट व्यक्ति के नाम पर एवरेस्ट बन गई, मेरे द्वीप समूह मेरे परमवीर चक्र विजेता मेरे देश के सेनानियों के नाम कर दिया। ये हमारी श्रद्धा है, ये हमारी भक्ति है, और उसको लेकर के हम चलते हैं। आदरणीय और इससे आपको तकलीफ है, और तकलीफ व्यक्त भी हो रही है, हर एक की तकलीफ व्यक्त करने के रास्ते अलग होंगे, हमारा रास्ता है सकारात्मक।